से अलवर मुंशी बाग स्थित देवी जी की गली स्कूल में रावण देवर का विकास समिति नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आज अगस्त क्रांति समारोह मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SSB के यशपाल त्रिपाठी, बैंक ऑफ बड़ौदा CK शर्मा सहित सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। सामाजिक कार्यकर्ता MPS चंद्रवत ने बताया कि शहीदों को सम्मान के लिए अगस्त क्रांति समारोह मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जानकारी दी गई कि किस तरह शहीदों ने देश को किस तरह से आज़ाद कराया था। देश को आज़ाद कराने में शहीदों के अलावा आमजन को भी पूरा सहयोग करना चाहिए और पहले भी इसी प्रकार से सहयोग दिया गया था। कभी भी आज़ादी के दीवानों ने ये नहीं कहा कि हमें माला पहनाकर हमें सम्मान दो, बल्कि उन्होंने देश के लिए अपना सम्मान दिखाया। हर भारतीय के दिल में ऐसी जगह होनी चाहिए और उनके दिल में देश के लिए सम्मान होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं कि इस अनौपचारिक कार्यक्रम में, जिसको हम शहीदों के सम्मान में मना रहे हैं, उसमें आपने शिरकत की, भागीदारी की। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन करना था। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा कि कितनी आज़ादी शहीदों ने दी, कितनी आज़ादी के लिए संघर्ष जनता ने किया था, वो स्मृति बना कर रखने के लिए एक तरह से अनौपचारिक कार्यक्रम है। ये कोई ऑफिशियल या सरकारी कार्यक्रम नहीं है और इसीलिए इसकी भागीदारी ग्राम रावण देवर सह विकास समिति, विवेकानंद युवक मंडल और नेहरू या केंद्र के तत्वावधान में की जा रही है। आज का मुख्य जो मैसेज है वो हम ये देना चाहते हैं, जो शहीदों के मुख से निकले बातें थी कि हमारा सम्मान आप हमारी मूर्तियों पर माला फहरा के नहीं करना, हमारा सम्मान जो हम में अच्छाई हैं उनको आचरण में लाना, क्योंकि शोषण मुक्त समाज जब ही बनेगा जब हमारी मूर्तियों पर माला नहीं पहनाई जाएगी, बल्कि हमारा जो अच्छाई है उसको आचरण में लाएंगे। तो उसी के लिए किया गया था। आज के दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 8 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम छोड़ गया था और उसमें पूरा का पूरा जापान फैल गया था। इसी तरह आज़ादी दिन फौज का बड़ा चल रहा था, उसमें जनता में लगा कि पूरे देश में एक तरह से आज़ादी का माहौल बना है तो हम क्यों छुप रहे हैं। तो हमारे नेता तो 8 अगस्त को जेल में डाल दिए गए थे, तो रातों रात जनता ने निर्णय लिया और एक तरह से असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा दिया, जिसको हम अंग्रेजों भारत छोड़ो। किस जगह आयोजन हो रहा है ये आयोजन? हम देवी जी गली उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन कौन है? आज के मुख्य अतिथि श्री यशपाल त्रिपाठी जी एडिशनल SP हैं, अध्यक्ष श्री CK शर्मा साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर हैं। उन्होंने इस विद्यालय में बालिकाओं के लिए, प्लस टू की बालिकाओं के लिए 50 कुर्सियाँ अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से प्राप्त किए। अभी सर सम्मान भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर, पद क्या है आपका? क्या नाम है आपका, पद क्या है? हम वाले बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सामाजिक बदलाव की 3 प्रक्रियाएँ, पहला सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक गैर सरकारी जिसको NGO अटैम्प्ट कहते हैं, ये वॉलंट्री एक्शन है। इसमें हमारा केवल वॉलंट्री रोल है, मोटिवेट करते हैं, कैटलिस्ट का रोल है। क्या नाम है सर आपका? MPS चंद्रावत, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज से हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहा था हिमाचल।